दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। चीन में भारी तबाही, एक झटके में 95,000 करोड़ डूबे। दोस्तों पूरी दुनिया 2 सालों से इस महामारी का प्रकोप झेल रही है, और अगर आप किसी से पूछेंगे कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है तो इंसान आंख बंद करके चाइना का नाम ले देगा। कई लोगों का मानना है कि चाइना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त करके रख दी है। पूरी दुनिया आज परेशान है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोगों को परेशानी में डाला जाएगा तो प्रकृति चुप थोड़ी ना बैठेगी, उसे भी तो बदला लेना आता है। और ये वजह है कि आज चाइना तबाही से जूझ रहा है। एक ही झटके में 95,000 करोड़ का नुकसान चाइना को झेलना पड़ा, और तबाही का मंजर लोगों की जान लेने में तुला हुआ है। प्रकृति ने चाइना के ऊपर एक ऐसा कहर बरसाया है जिसकी मार ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं। अब वहां पर क्या और कैसे हुआ, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 2020 की शुरुआत से ही चाइना अभी तक सुर्खियों में बना हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि शुरुआत में चाइना महामारी की वजह से सुर्खियों में था, अब वहाँ हो रही तबाही की वजह से सुर्खियों में है। आज के समय में चाइना में इतनी ज्यादा भयानक बारिश हो रही है कि चीन के कई सारे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। चाइना में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर आज बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से चाइना में जो भयानक नुकसान हुआ है उसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि बीते कई सालों में चाइना को इतनी भयानक बारिश का सामना कभी नहीं करना पड़ा है, और ये पहली बार है जब लोग चारों तरफ पानी देखकर परेशान हैं। बड़ी से बड़ी इमारत, गाड़ियां, हर जगह पानी में बह रही है। और आज के टाइम में चाइना में किस तरह का मंजर चल रहा होगा, आप इन आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। जहां चाइना के झेंगझाओ में रिकॉर्ड 617 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह आंकड़ा केवल 3 दिन का है, जबकि यहां पूरे साल में 640 एमएम बारिश होती है। बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चाइना के कई सारे इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाकी वहां किस तरह की तबाही हो रही है इसकी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख सकते हैं। पर दोस्तों अभी हाल ही में चाइना में हो रही बारिश की वजह से एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। असल में जब चाइना के एक मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन रवाना हो रही थी, लेकिन तेज बारिश के कारण टनल में पानी भर जाने की वजह से ट्रेन टनल में फंस गई। ऐसे में जितने भी यात्री ट्रेन के अंदर मौजूद थे वो या तो दम घुटने की वजह से मर गए या तो पानी में डूबने की वजह से मर गए। अब आप सोचिए कि पूरी भरी हुई ट्रेन में मौजूद अधिकतर लोग मौत के घाट उतर गए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के रौद्र रूप की वजह से। हालांकि चाइना की सरकार ने घोषणा की है इस तबाही से निपटने के लिए वो अपने 10,000 सैनिकों को तैनात कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हालात बिगड़ गए हैं उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि चाइना की ये सेना लोगों की स्थितियों को ठीक कर सकती है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, जब कोई डैम ओवरफ्लो हो जाता है तो कितनी बड़ी तबाही मचती है, लेकिन चाइना में तो कई सारे डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने चारों तरफ सिवाय पानी के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तबाही की वजह से न सिर्फ आर्थिक रूप से परेशानी देखने को मिल रही है बल्कि लोगों की जान को भी खतरा हो रहा है। न जाने कितने लोग चाइना में आई इस बाढ़ के कारण मौत के आगोश में चले गए। आज चाइना एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। अपने नुकसान का आंकड़ा बताते हुए चाइना की सरकार का कहना है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर उन्हें पूरे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, यानी अगर इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट कर दें तो ये नुकसान करीब 7,500 करोड़ का होगा। पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आंकड़े बहुत छोटे हैं, बल्कि चाइना में आई तबाही में पूरे 95,000 करोड़ का नुकसान चाइना को झेलना पड़ रहा है। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी को पता है कि जब बात आंकड़ों को उलट पुलट करके लोगों के सामने पेश करने की आती है तो चाइना इस काम में भी आगे है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने महामारी के टाइम पर देख ही लिया, जहां मरने वाले लोगों की संख्या 100 थी अगर तो चाइना 10 बता रहा था, अगर 1,000 थी तो 100 बता रहा था। ऐसे में जब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना में होने वाला नुकसान बड़ा है तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हम यहाँ पर तबाही मचते हुए देख रहे हैं उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि चाइना कितनी बड़ी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा मैप पर नजर मारिए। चाइना के इस मैप में आपको जो लाल रंग के निशान दिख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि चाइना के वो इलाके हैं जो पूरी तरह से सूखे पड़े हैं, यानी यहाँ पर उपजाऊ जमीन का नामो निशान नहीं है। और ये जो काले निशान आप देख रहे हैं ना,
ये चाइना के वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। और जो आप लाल और काले रंग के बीच में डार्क ग्रे कलर का इलाका देख रहे हैं, ये चाइना के वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ आने वाली है। यानी कहीं पर चाइना के लोग सूखे की मार झेल रहे हैं, तो कहीं पर इतनी बारिश हो रही है कि लोगों से झेली नहीं जा रही। यानी अगर कम शब्दों में कहें तो प्रकृति ने चाइना को जो धोबी पछाड़ दिया है, चाइना खुद इस हादसे से निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा। चाइना की सरकार लगातार कह रही है कि मामला हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जिस हिसाब से तस्वीरें हम और आप देख रहे हैं उससे तो कहीं से नहीं लग रहा कि मामला कंट्रोल में है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो हल्के ग्रे वाला एरिया है जहां पर स्थिति नॉर्मल है, वो आने वाले समय में या तो लाल रंग में बदल जाएगी या पूरी तरह से काली हो जाएगी। यानी कि या तो यहाँ के लोग सूखे का सामना करेंगे या फिर इतनी बारिश देखेंगे जितनी उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी। यानी प्रकृति ने चाइना की फुल ऑन बैंड बजाने की तैयारी कर रखी है। अब आपका इस पर क्या कहना है हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।